टीम इंडिया के पूर्व ओपनर गौतम गंभीर को उनके बेबाक बयानों के लिए जाना जाता है। भाजपा सांसद ने इस बार BCCI अध्यक्ष सौरव गांगुली पर निशाना साधा है। उन्होंने गांगुली पर सवाल उठाते हुए कहा कि सौरव भी फैंटसी लीग का प्रचार कर रहे हैं तो बाकी खिलाड़ियों को ऐसा करने से रोक नहीं सकते। इंडियन एक्सप्रेस से बात करते हुए गंभीर ने कहा कि इस मामले में गांगुली को खुद पर अंकुश लगाना चाहिए। गंभीर ने आगे बात करते हुए कहा कि IPL के अधिकतर इंडोर्समेंट और स्पॉन्सरशिप ड्रीम इलेवन जैसे फैंटसी लीग से आते हैं, लेकिन इस प्रकार के विज्ञापन को BCCI को बैन कर देना चाहिए। उन्होंने कहा कि यह एक सामूहिक फैसला होना चाहिए कि हमें इसकी परमिशन मिलनी चाहिए या नहीं। 2011 वर्ल्ड कप विजेता टीम के सदस्य गंभीर ने कहा कि वह व्यक्तिगत तौर पर ऑनलाइन सट्टेबाजी को बढ़ावा देने वाले ब्लॉग या वेबसाइट का समर्थन करने के खिलाफ हैं। उन्होंने कहा, मैं व्यक्तिगत रूप से इन सब में विश्वास नहीं करता। मैं हमेशा शराब, तंबाकू और ऑनलाइन सट्टेबाजी का समर्थन करने वाले लोगों के खिलाफ रहा हूँ। उसका खास तौर पर ध्यान रखना चाहिए।